हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए डीजीपी की ओर से 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। संदीप सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये सब मेरी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता, 2 बार के ओलंपियन और दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर्स में से एक संदीप सिंह भारतीय हॉकी के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही वो सबसे प्रेरणादायक कप्तानों में से एक हैं। जूनियर लेवल पर शानदार प्रदर्शन के बाद संदीप सिंह को साल 2006 में हॉकी विश्व कप के लिए सीनियर टीम में शामिल किया गया, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने का उनका सपना चंद महीने पहले ही पूरी तरह से टूट गया। 22 अगस्त 2006 को 20 साल के संदीप सिंह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कालका शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में एक आरपीएफ अधिकारी की बंदूक गलती से चल गई और गोली कई अंदरूनी चोटें पहुंचाते हुए संदीप सिंह के पेट के निचले हिस्से में जाकर लगी। गोली को निकालने के लिए चंडीगढ़ के एक अस्पताल में उनकी मुश्किल सर्जरी की गई। जब संदीप सिंह को होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा और वो फिर कभी हॉकी नहीं खेल सकेंगे। लेकिन संदीप ने खुद को प्रेरित करने के लिए अपने भाई विक्रमजीत से अपने पिता के द्वारा भेंट की गई हॉकी उन्हें देने के लिए कहा, और धीरे धीरे अपने परिवार की मदद से उन्होंने अपनी ताकत को वापस हासिल किया। हादसे के 1 साल बाद संदीप सिंह फिर से चलने लगे और जल्द ही हॉकी के मैदान में लौट आए। उन्होंने 2008 के करीब भारतीय हॉकी टीम में अपना स्थान फिर से पक्का कर लिया। ये वो साल था जब भारत बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था। टीम में कुछ बड़े बदलावों की जरूरत थी और संदीप सिंह को जल्द ही कप्तानी का पदभार सौंपा गया। उन्होंने साल 2009 में सुल्तान अजलान शाह कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया और 13 साल बाद भारत को यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जिताई। संदीप सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर शानदार प्रदर्शन किया, टूर्नामेंट में सबसे अधिक कुल 6 गोल दागे, दुनिया में सबसे तेज ड्रैग फ्लिक 145 किलोमीटर प्रति घंटे लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया। उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में संदीप सिंह ने भारत को रजत पदक दिलाया। साल 2012 में संदीप सिंह ने ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में कुल 16 गोल दागे। भारत को 2012 के लंदन ओलंपिक में ले जाने के लिए फाइनल में उन्होंने 5 गोल दागे। अपने शानदार करियर के बाद संदीप सिंह ने साल 2016 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की और जल्द ही राजनीति में कदम रखा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।